वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नवीन चकवान। टुडे माय चैप्टर फर्स्ट है यस्टरडे डिस्कस इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो अदर देन कैश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन वो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 आज हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो जो टॉपिक का डिस्कस है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उससे रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस। एक्स लिमिटेड ने एक चलता हुआ बिजनेस परचेज किया, किससे, वाई से, फ्रॉम वाई लिमिटेड, फ्रॉम ए सम ऑफ 30 लाख, कितने का, 30 लाख पेबल, और 30 लाख पेबल 40% बाई ए चेक। 30 लाख का परचेज किया जिसमें से 40% की पेमेंट कर दी चेक से, एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर। जो बैलेंस बच रहा है कंपनी उनको क्या कर रही है, इक्विटी शेयर इशू कर रही है ऑफ 100, जो 100 ईच है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, किस पे, 20%, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंजेस्टेड ऑफ द फ्लोइंग। बिल्डिंग है 12,000 की, 12 लाख की, प्लांट मशीनरी है 8 लाख की, स्टॉक है 5 लाख का, सनडी डेटर 4,30,000 का, कैश है 90,000 का, सनडी क्रेडिटर है 2 लाख का, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में भी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। बच्चों देखो एक्स लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है वाई लिमिटेड से 30 लाख का, 40% की क्या कर दी है, चेक से पेमेंट कर दी है। जो बैलेंस बचा है कंपनी उसके बदले क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है पूरे 100 के 100, 20% प्रीमियम पे, और एसेशन लाइबिलिटीज का बैलेंस नीचे गिवन है। बिल्डिंग है 12 लाख, प्लांट मशीनरी 8 लाख की, स्टॉक है 5 लाख, सनडी डेटर 4,30,000, कैश है 90,000, सनडी क्रेडिटर 2 लाख का, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों। देखो ये इसका सोल्यूशन है, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में कि क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। एक्स लिमिटेड एंट्री वो की है, बिजनेस परचेज किया है वाई से, वाई कौन हमारा वेंडर है, क्लियर। तो एंट्री अब जर्नल एंट्री फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। तो जितनी असस्ट होती है उनको हम डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। असस्ट जो होगी उसको क्या करें, क्योंकि असस्ट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होगा। एसेस्ट का बैलेंस एक्सेस है, लाइबिलिटीज का बैलेंस शॉर्ट है, तो हमारा जो बैलेंस, जो डिफरेंस बैलेंस आएगा वो कैपिटल का आएगा, और लाइबिलिटीज एक्सेस है, असेस्ट का बैलेंस कम है, तब जो बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल का आएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सनी डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 90,000, सनडी क्रेडिटर 2 लाख का, वाई लिमिटेड है कितने की पर्ची की, 30 लाख की। तो यहाँ इनका टोटल आ रहा है 32 लाख, और यहाँ से यहाँ तक इनका टोटल 30 लाख 20,000। तो एसेट का बैलेंस शॉर्ट है, लाइबिलिटी बैलेंस एक्सेस है, तो कितना एक्सेस है, 1,80,000। तो हमारा किसका बैलेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, गुडविल का। ओके, परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से क्या क्या बिजनेस परचेज किया, एसेट को हम डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर लाइबिलिटीज एक्सेस है, एसेट कम है, तो गुडविल का बैलेंस कैलकुलेट होगा, तो यहाँ किसका बैलेंस कैलकुलेट होगा, गुडविल का, और एसेट का एक्सेस होता है, लाइबिलिटीज का शॉर्ट होता, तब कैपिटल का बैलेंस। वाई लिमिटेड, अब देखो पेमेंट कितने परसेंट होगी, 40%। वाई लिमिटेड किसको क्यों, वाई लिमिटेड रिसीव रॉयल लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30 लाख का 40%, 12 लाख, तो 12 लाख की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। रिमेनिंग कितने बच गए, 18 लाख, 18 लाख की कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या किस पे कर रही है, प्रीमियम पे, तो सबसे पहले हम शेयर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 80 लाख है, 100 ईच है, 20% प्रीमियम, 100 प्लस 20, इस कितना होगा, 120 को इससे डिवाइड करेंगे, 15,000 शेयर, कितने शेयर आ गए, 15,000 ये हमारे शेयर हैं। ठीक है बच्चों,
पहले शेयर कैलकुलेट किया किस पे करेगा अपने प्रेम पे, प्रेम पे कर तो कैंट्री हो जाएगी वॉलंटरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट डेबिट। फिफ्टीन इंटू हंड्रेड 15 लाख, 15 × 20 3 लाख, टोटल 18 लाख। ओके, बैलेंस पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज एट ए 20% प्रीमियम। देखो ऑल असेट्स को हमने डेबिट किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, बैलेंस किसका है गुडविल का 180। ओके, फिर हमने कितना परसेंट की एक्स ने कितना परसेंट पेमेंट कर दी 40%, वाई लिमिटेड टू बैंक 30 लाख का 40% 12 लाख, रिमेनिंग कितनी 18 लाख, 18 लाख को कंपनी कैसे कर रही है प्रीमियम पे, तो एंट्री करिए वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर सिक्योरिटी बीमा रिजर्व अकाउंट। तुम्हारे शेयर कितने कैलकुलेट होकर आए थे 18 लाख थे, 100 ईच है 20% प्रीमियम है, तो टोटल कितना 120, 120 से डिवाइड कर 15,000 शेयर हो गए, 15 × 100 15 लाख, 15 × 20 3 लाख, टोटल 18 लाख। ओके थैंक्स।